हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे चैनल सिखा की रसोई में। आज मैं आपके साथ 5 मिनट में बनने वाले टमाटर के ढेचे का वीडियो शेयर कर रही हूँ। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। टमाटर का ढेचा बहुत ही आसान तरीक़ों से बन जाता है, तो चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने 2 बड़े साइज़ के टमाटर लिए हैं। इसे मैंने अच्छी तरह से धो लिया है। ढेचा में डालने के लिए मैंने 6 सूखी लाल मिर्च गर्म पानी में 20 मिनट के लिए भिगोकर रख दिया है। अब हम टमाटर को छोटे छोटे पीस में कट कर लेंगे। देखिए, मैंने टमाटर को छोटे छोटे पीस में कट कर लिया है। मिर्च भी अच्छी तरह से फूल गई है और 9 से 10 लहसुन की कलियां मैंने छिलकर रख ली हैं। अब हम ढेचा की तैयारी करते हैं। इसके लिए मैंने एक कढ़ाई ली है, उसमें मैंने आधा चम्मच तेल डाला है। तेल गर्म हो गया है, अब हम इसमें आधा चम्मच जीरा डालेंगे। जीरा हल्का सा चटकने लगा है, अब हम इसमें लहसुन डालेंगे। लहसुन को भी हम 2 मिनट सौटे कर लेंगे। जब लहसुन हल्का सा पक जाएगा तो उसमें हम भीगी हुई सूखी लाल मिर्च डाल देंगे। अगर आप तीखा ज़्यादा नहीं पसंद करते हैं तो आप इसमें से बीज निकाल कर अलग कर दें, या मिर्च आप कम भी कर सकते हैं। अब इन तीनों चीज़ों को हम अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। ये तीनों चीज़ अच्छी तरह से पक गई हैं। अब हम इसमें कटे हुए टमाटर डाल देंगे। टमाटर को हमें अच्छी तरह से पका लेना है। देखिए, टमाटर अच्छी तरह से पक गया है। अब इसे हम ठंडा होने के लिए रख देंगे। जब टमाटर अच्छी तरह से ठंडा हो जाएगा तो उसे हम ग्राइंडर में डालकर बारीक पीस लेंगे। हमें टमाटर को अच्छी तरह से ठंडा हो जाने देना है। देखिए, इसे मैंने बारीक पीस लिया है। अब इसे हम एक बाउल में ट्रांसफ़र कर लेंगे। देखिए, टमाटर का ढेचा कितना अच्छा लग रहा है देखने से। अब हम इसमें नमक डाल देंगे और इसे अच्छी तरह से मिला लेंगे। आप इसे दाल, चावल, रोटी किसी के साथ भी सर्व कर सकते हैं। ये हफ्ते भर तक नहीं ख़राब होता है। आप इसे फ्रिज में स्टोर करके रख सकते हैं। ये काफ़ी स्पाइसी और चटपटा होता है। इसे आप अपने खाने के साथ इंजॉय करें। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स पर ज़रूर बताएँ। और अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।